कन्वेंशन की बात करते हैं तो कन्वेंशन को हम क्या कह सकते हैं, और सिंबल, इनको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, प्रतीक, प्रतीक चिन्ह। ये कितने का पूछा जाता है, पांच। ये प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है पांच नंबर का, ये बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, अब क्लास टू में हम बात करते हैं कन्वेंशन सिंबल। जैसे लकड़ी है, लिक्विड है, कोई सबका अपना अपना एक सिंबल होता है ना। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि लकड़ी की सिंबल की बात करते हैं, लकड़ी इसको कहते हैं वुड। इसके अगर बोलेगा क्वेश्चन में आगे कि क्वेश्चन में कैसे आएगा कि लकड़ी का सिंबल बना दीजिए, या कह देगा निम्न के सिंबल ड्रा कीजिए, तो पांच दे देगा। तो पांच देगा तो जैसे लकड़ी दे दिया, स्टील दे दिया, कास्ट आयरन दे दिया, हेलकर दे दिया, हेलकल गियर दे दिया, इंटरनल थ्रेड दे दिया, तो इस टाइप के जो देगा बोल देगा कि इनके सिंबल ड्रा कीजिए, कन्वेंशन ड्रा कीजिए। जैसे लकड़ी है तो लकड़ी का ड्रा करना है तो हमने ऐसे ड्रा किया, और ऐसे ऐसे। आपने कभी ध्यान दिया होगा जब आप लकड़ी काटते हैं तो उसमें इस टाइप के वार्षिक वाला इनको कहते हैं, ऐसे ऐसे काटने पर ये राउंड शेप दिखते हैं, ये कहलाता है वार्षिक वाला है। और ये लकड़ी का सिंबल तो ऐसे है, ये लकड़ी का सिंबल हुआ। और अगर हम बात करें लकड़ी के बाद कोई जैसे मटेरियल ले लें, मटेरियल में हम लेते हैं लिक्विड में लिक्विड लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में जैसे आ गया आपका पेट्रोल। पेट्रोल का सिंबल कैसे बनेगा, ऐसे। और यहां से इतनी दूरी पर आपने लाइन ड्रा किया और ये ड्रा किया, ये सिंबल हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा। जैसे लिक्विड है, लिक्विड में तो पानी आ सकता है, वाटर, डीजल, पेट्रोल हो गया, केरोसिन, KEROSENE, केरोसिन बोलते हैं इसको। ठीक है, और कोई भी और लिक्विड हो सकता है तो उनका सिंबल ये बनेगा। और बहुत टाइप के होते हैं, जैसे ग्लास हो गया, कांच, ग्लास हुआ, तो ग्लास का सिंबल कैसे बनेगा, ऐसे आपने ड्रा किया। तो ये ग्लास का सिंबल हुआ। और जैसे बोल दे कंक्रीट,
कंक्रीट हुआ, तो कंक्रीट का सिंबल इस टाइप से बनेगा। ये कंक्रीट का हमारा सिंबल है, ठीक है। ऐसी बहुत प्रकार के हमारे पास मटेरियल हो सकते हैं। ये आपका मटेरियल हो गया MATE, मटेरियल मतलब पदार्थ, और ये कन्वेंशन। ये आ गया। और ये पांच नंबर का जरूर पूछा जाता है। अब इसमें जैसे आपसे पूछ ले कि इंटरनल थ्रेड पूछ सकता है, एक्सटर्नल थ्रेड पूछ सकता है, हेलिकल स्प्रिंग पूछ सकता है, हेलिकल स्प्रिंग पूछ सकता है, तो हेलिकल स्प्रिंग का सिंबल ऐसे बनेगा। ऐसे और ये हेलिकल स्प्रिंग का, और ऐसे बहुत प्रकार के हमारे पास सिंबल होंगे। जैसे कुछ सिंबल हम कर देते हैं और इसी में एक चीज की हम लोग और बात करेंगे। ये तो मटेरियल के सिंबल हो गए, लकड़ी, लिक्विड, वाटर, कांच, ये कंक्रीट हो गए। कुछ सिंबल आपको और भी पढ़ने हैं, जैसे सैनिटरी फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग सिंबल में क्या होता है कि पाइप फिटिंग आ गई उसमें, और जो वाटर टैंक होता है वहाँ की जो सप्लाई होती है पाइप फिटिंग, वो सैनिटरी फिटिंग में वो हो गया। जैसे रिड्यूसिंग एल्बो हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सैनिटरी फिटिंग पढ़ना है, अगला पढ़ना है इलेक्ट्रिकल फिटिंग सिंबल, सैनिटरी इलेक्ट्रिकल फिटिंग, बस। सैनिटरी फिटिंग में क्या सिंबल आ सकते हैं हमारे, जैसे रिड्यूसिंग एल्बो, नाइंटी डिग्री एल्बो, 45 डिग्री, आगे इलेक्ट्रिकल फिटिंग सिंबल में जैसे फ्यूज, सिंबल डिफरेंट
टाइल आर इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट सिंबल्स पाइप फिटिंग में तो यही आ जाएंगे, जैसे ये हो गया 90 डिग्री, एल्बो हो गया। जब ये 90 डिग्री एल्बो बनाएंगे तो 90 अंश का कोण बनाएंगे, ठीक है। फिर इस टाइप से हम आप ये पाइप जॉइंट का भी देखे होंगे जो ट्यूबवेल होते हैं, ट्यूबवेल में ये सारी चीजें ये टर्न करने में दिखाई देता है, सेक्शन पाइप। हाँ, सेक्शन पाइप को जोड़ते समय। अब हम बात करेंगे 45 डिग्री की, जैसे 45 डिग्री एल्बो, तो ये कैसे बनेंगे? तो इसके बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 45 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे, ऐसे ऐसे। ऐसे कई प्रकार के हमारे पास ज्वाइंट रहते हैं, इस सेक्शन में भी रहते होंगे। ऐसे 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 देखो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। ऐसे देखो, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है इस टाइप में दिख रहा है, ये पूरा सर्किल टाइप में है ना, सर्किल पूरा दिख रहा है ना, ये पूरा सर्किल टाइप में ये दिखेगा। ये भी एक पाइप फिटिंग का एक टाइप है। तो हमने क्लास टू में क्या चर्चा किया, कन्वेंशन की चर्चा किया, क्लास टू में कन्वेंशन, सिंबल, प्रतीक चिन्ह है ना। तो इसमें क्या है, मटेरियल लकड़ी का सिंबल है, कन्वेंशन कन्वेंशन ये है, तो लकड़ी का कन्वेंशन ये बनेगा। लिक्विड, जैसे कोई लिक्विड है हमारा, वाटर, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, तो उसका सिंबल ये बनेगा। ग्लास है तो ग्लास का सिंबल ऐसे बनेगा, ठीक है। कंक्रीट का है तो कंक्रीट का सिंबल ऐसे बनेगा, ठीक है। अब जैसे कुछ हेलिकल स्प्रिंग, बहुत प्रकार के हमारे क्वेश्चन में जो बोल दिया क्वेश्चन में, तो जैसे सिलेबस ज़्यादा है तो उसमें जो बोल दिया आपको, जो बोल दिया तो वही आपको हल करना पड़ेगा, है ना। हमारे पास ब्रॉड मटेरियल है तो ब्रॉड में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो यूजफुल चीज़ें हैं वही हमें पढ़ना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम पढ़ेंगे, जैसे जो जो थी इम्पॉर्टेंट वो हमने कर दिया, हेलिकल स्प्रिंग का हमने कर दिया, सेनेटिव फिटिंग, रिड्यूसिंग एल्बो, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, ये सारी चीज़ें कर दी।
ये